बोट जेब्रोनिक्स बोट। अगर आपका बजट है 4,500 से 4,000 के बीच और कन्फ्यूज हो कि कौन सा ब्लूटूथ स्पीकर लेना है, तो आपकी कन्फ्यूजन में दोस्तों ये ऑप्शंस कहीं ना कहीं अवेलेबल होंगे। आज दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे कौन कितना पानी में है, इन तीनों में से कौन सा स्पीकर आपको लेना चाहिए अगर आपको बेस पसंद है, लाउडनेस पसंद है या फिर आपको अच्छा बैटरी बैकअप चाहिए। तो दोस्तों बारी बारी से देख लेते हैं तीनों को। सबसे पहले बात कर लेते हैं लुक की और डिज़ाइन की। लुक वाइज दोस्तों बात करें, ये है बोट 1200 और इसका जो डिज़ाइन है आप देख सकते हैं, लेकिन जो इसकी फिनिशिंग है, ये क्लोथ फिनिशिंग, इसका सबसे बड़ा डेंजर ये है कि यहाँ डस्ट पार्टिकल घुस जाते हैं जिससे कि गंदा होने का जो डर है बना रहता है। और ये दोस्तों बोट 1450, इसका लुक थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इसमें इसकी भी जो फिनिशिंग है ये दी गई है इस तरीके से, इसमें भी जो है डस्ट पार्टिकल्स जाने का डर है, थोड़ा सा गंदा होने का खतरा यहाँ भी बना हुआ है। और ये दोस्तों जेब्रोनिक्स का साउंड फीस्ट 500, इसकी फिनिशिंग उन दोनों से बेटर है क्योंकि यहाँ पे ग्रिल दी गई है एंड ये उन दोनों से काफ़ी सॉलिड लग रहा है। और यही नहीं दोस्तों, जेब्रोनिक्स बिल्ड वाइज भी इन तीनों में सबसे बेस्ट है, प्लस इसको गंदा होने के बाद साफ करना आसान पड़ेगा कंपैरेटिव इन दोनों के। और तीनों ही ब्लूटूथ स्पीकर्स में RGB लाइट्स मिल जाती हैं, जो कि जेब्रोनिक्स है, ये आपका बोट 1200 और ये बोट 1450। मुझे पर्सनली बोट 1200 की जो लाइटिंग है काफ़ी अच्छी लग रही है। वैसे दोस्तों आप बाहर हो, पानी वानी की छींटे पड़ जाएं, आउटडोर में आप इसको ले गए हो, तो घबराने की कोई टेंशन नहीं है। तीनों ही IP रेटिंग के साथ आते हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट IP रेटिंग के साथ। जेब्रोनिक्स का साउंड फीस्ट 500 आपको मिल जाता है IPX5 रेटिंग के साथ, बोट 1450 आता है IPX5 रेटिंग के साथ ऑल्सो, लेकिन दोस्तों बोट का 1200 आता है IPX7 रेटिंग के साथ। दोस्तों इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग IP रेटिंग इसकी है, प्लस इन तीनों में एक एडवांटेज और है जो इसके पास है, इसके पास FM भी है टाइम पास के लिए, इन दोनों में नहीं। और दोस्तों वेट की बात करें, इसमें सबसे हल्का है बोट का बोट स्टोन 1200, इसका वजन लगभग 1.7 kg है। फिर उसके बाद है दोस्तों बोट स्टोन 1450, इसका वजन लगभग 2 kg है। और ये दोस्तों रहा जेब्रोनिक्स का जेब साउंड फीस्ट 500, इसका वजन बहुत हैवी है, 2.5 kg से भी ज़्यादा का, 2.5 kg प्लस इसका वेट है टोटल। अब दोस्तों ड्राइवर की बात कर लेते हैं, इसमें 2.9 इंच के दो ड्राइवर दिए गए हैं और दोनों का पावर आउटपुट है 7W प्लस 7W, टोटल पावर आउटपुट है इसका 14W RMS का। और दोस्तों कंपनी क्लेम करती है ये, अगर आप इसकी RGB लाइट्स को ऑफ कर दोगे तो इसकी बैटरी लगभग 9 घंटे चल जाती है। दूसरी तरफ बात करें दोस्तों बोट स्टोन 1450 की, इसमें भी 2.9 इंच के दो ड्राइवर हैं, लेकिन इनका पावर आउटपुट है 20W और 20W, यानी कि टोटल 40W RMS। और कंपनी इसमें दोस्तों क्लेम करती है कि RGB लाइट को ऑफ करके और एक मीडियम वॉल्यूम पे आप 5 घंटे का बैटरी बैकअप ले सकते हैं उससे। और ये दोस्तों जेब्रोनिक्स, इसमें 3.5 इंच के दो ड्राइवर दिए गए हैं जिनका पावर आउटपुट है 35W प्लस 35W और टोटल पावर आउटपुट है 70W RMS। और दोस्तों कंपनी क्लेम करती है 50% वॉल्यूम पे आप इसको 9 घंटे तक यूज़ कर सकते हो, और लाइट्स ऑफ कर दोगे तो शायद थोड़ा सा बैटरी बैकअप और बढ़ जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मेन चीज़ जिनके लिए स्पीकर्स बने हुए हैं, साउंड क्वालिटी की। साउंड क्वालिटी किसकी कैसी है देखो, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, अगर आपको ब्लूटूथ स्पीकर चाहिए कि आपके मोबाइल या टैबलेट या लैपटॉप की आवाज़ कम है और आप उस पर बहुत ज़्यादा मूवीज़ लेक्चर देखते हो, तो डेफिनेटली आपको ये लेना चाहिए क्योंकि इसमें बेस बहुत ही बैलेंस्ड है, आवाज़ क्रिस्टल क्लियर है और बैटरी बैकअप भी आपका 9 घंटे का है, मीडियम आवाज़ पर आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है और म्यूज़िक में भी आप थोड़ा सा बेस टाइप के जो म्यूज़िक ज़्यादा सुनते हैं, हिप हॉप वगैरह बीट्स जिसमें ज़्यादा होती हैं, तो आपको ये लेना चाहिए जेब्रोनिक्स का साउंड फीस्ट 500, क्योंकि इसका जो बेस है काफ़ी अच्छा है। देखो इसका बेस होम थिएटर से आप कंपेयर मत करना, उतना एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी ये ब्लूटूथ स्पीकर है तो काफ़ी इसकी रेस्ट्रिक्शंस होती है। स्पीकर्स में दोस्तों क्या होता है कि बहुत ही लिमिटेड नंबर होते हैं ड्राइवर के, तो यहाँ रेस्ट्रिक्शन होती है, तो इतना डीप बेस आपको नहीं मिल सकता, ड्राइवर का साइज़ भी छोटा होता है, ठीक है। लेकिन ये ब्लूटूथ स्पीकर के हिसाब से बहुत ही अच्छा बेस है, एक आपको अच्छी बीट्स काफ़ी इसमें फील होंगी, ठीक है। प्लस दोस्तों इनके जो रेडिएटर्स हैं काफ़ी अच्छे लगते हैं वाइब्रेट होते हुए, और इसके जो रेडिएटर है दोस्तों इन तीनों में सबसे अच्छी तरीके से वाइब्रेट होते हैं, तो दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो फाइनल दोस्तों ये है कि अगर आपको आवाज़ क्लियर चाहिए थोड़ी और बेस कंट्रोल चाहिए, प्लस मूवीज़ लेक्चर या लॉन्ग टाइम लिसनिंग के लिए चाहिए, तो आपके लिए बोट 1200, बोट स्टोन 1200, या बेस लेवर हो, म्यूज़िक हिप हॉप वगैरह ज़्यादा सुनते हो, तो जेब्रोनिक साउंड फीस्ट 500 इसका बेस इन तीनों में सबसे ज़्यादा है, इन तीनों में सबसे क्लियर बोट 1200 है। रही बात दोस्तों इसकी, आप इसको बिल्कुल यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि एक तो दोस्तों इसका बैटरी बैकअप 5 घंटे का है, प्लस इसकी जो आवाज़ है, इसका जो बेस है काफ़ी वोकल्स को डिस्टर्ब कर रहा है,
और इसमें हाइज़ की बहुत ज़्यादा कमी, यानी कि ट्रैवल की बहुत ज़्यादा कमी है, जिससे आवाज़ घुटी घुटी सी लग रही है। इसमें इतना अच्छी क्लियर आवाज़ है नहीं इसमें, हालांकि बेस थोड़ा सा वोकल्स में थोड़ा सा डिस्टर्ब इसमें भी करेगा, बट इसमें वो ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो डेफिनेटली इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो, इन दोनों को आप कंसिडर कर सकते हो। अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इनमें तीनों में फंक्शन दिया हुआ है TWS। तो बेसिकली दोस्तों है क्या कि TWS का जो फंक्शन है ना, वो अभी सारे ब्लूटूथ स्पीकर्स में लगभग लगभग आ रहा है, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन बनती है कि आपको सेम स्पीकर चाहिए, सेम ब्रांड का नहीं, सेम ब्रांड तो चाहिए, सेम मॉडल भी चाहिए आपको। तो उसमें डेडिकेटेड आपको TWS का बटन मिल जाएगा, यहाँ पर ये जो बटन है TWS का है दोनों में। अब बात कर लेते हैं कि इसमें फ़ायदा क्या है। देखिए TWS में दो सेम स्पीकर हैं आपके पास सेम मॉडल के, तो आवाज़ डेफिनेटली बढ़ जाएगी, लाउडनेस बढ़ जाएगी, लेकिन इतनी लाउडनेस नहीं बढ़ेगी। देखिए ये स्पीकर मान लीजिए 4000 रुपीज़ का, ये भी 4000 रुपीज़ का है, तो क्या 8000 रुपये वैल्यू फॉर मनी है? जी नहीं बिल्कुल। ये मतलब TWS फंक्शन इसमें है, लेकिन इतना ज़्यादा वो यूज़फुल नहीं है। एक चीज़ के लिए यूज़फुल है, अगर आप लैपटॉप वगैरह में मूवीज़ देख रहे हो, ठीक है, लाइट वगैरह नहीं आ रही है, कोई दिक्कत है, तो आप लैपटॉप के लेफ्ट एंड राइट साइड में आप इनको स्पीकर को रखिए, या टैबलेट मोबाइल जो भी चीज़ आपके पास है, तो उसमें एक अच्छा स्टीरियो इफेक्ट तो मिल जाएगा, ये तो इसका एक बेनिफिट है। अदरवाइज़ 8000 रुपीज़ इस चीज़ के लिए इन्वेस्ट करना मेरे हिसाब से सिंगल काफ़ी है। अब दोस्तों जैब्रोनिक्स के बारे में एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जैब्रोनिक्स को मैंने इस वीडियो में सबसे ऊपर क्यों रखा है, इसकी एक वजह है, बेस तो इसका ज़्यादा है ही, लाउडनेस भी बहुत ज़्यादा है। ये दोनों सेम मॉडल हैं, बोट 1450। इन दोनों को जब हमने प्ले किया एक साथ TWS पे कनेक्ट करके, जब दोनों एक साथ बज रहे थे, प्लस एक साइड ये प्ले हो रहा था, तो ये इन दोनों पर मिलाकर भारी पड़ रहा था, तो इसकी लाउडनेस काफ़ी गजब है। तो और बेस भी दोस्तों इसका एकदम थम्स अप। और दोस्तों इन दोनों के बारे में एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, ये है बोट का 1200, ये बोट का 1450। ये थोड़ा सा ज़्यादा लाउड है, यानी कि बोट 1250 थोड़ा सा स्लाइटली लाउड है, क्लियर तो है ही ऑफकोर्स, और थोड़ा सा लाउड भी है। तो यहाँ इन तीनों में मैं देखूँ तो सबसे ज़्यादा बेस्ट वैल्यू फॉर मनी जो निकल के आता है, आई थिंक ये है उन लोगों के लिए जिनको बेस ज़्यादा पसंद नहीं है, प्लस आपको बेस और लाउडनेस ज़्यादा चाहिए, तो जैब्रोनिक्स की तरफ आप बिल्कुल जा सकते हैं। दोस्तों देखिए, मैं जब मैं बात कर रहा हूँ कि इसका बेस कम है, इसका मतलब बेस थोड़ा सा बैलेंस्ड है इसका, ठीक है, यानी कि बेस बूस्टेड नहीं है। और बेस के दो पार्ट होते हैं, एक अपर एक लोअर। लोअर बेस जो फील ज़्यादा होता है, अपर बेस जो हमें सुनाई देता है बेस का, वो वाला पार्ट। अब इसका अपर बेस थोड़ा सा वीक है, लेकिन जो लोअर बेस है इसका काफ़ी अच्छा है, यानी कि बेस आपको थोड़ा सा फील होगा लेकिन सुनाई कम देगा, ठीक है। तो मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि बेस थोड़ा सा बैलेंस्ड है, सुनाई नहीं देगा, फील प्रॉपर होगा लेकिन आपको उसका बेस। लेकिन हाँ ये है कि ओवरऑल बेस जो है इसका जैब्रोनिक्स से काफ़ी कम। अब दोस्तों ये चीज़ बताने के लिए कि तीनों की लाउडनेस और बेस वगैरह कैसा है, मैं एक छोटा सा साउंड टेस्ट करना चाहूँगा, आप ईयरफोन लगा लीजिए। वैसे तो आपको एक्चुअल साउंड टेस्ट पता नहीं पड़ पाएगा, लेकिन थोड़ा सा आप एक गैस कर सकते हैं। दोस्तों आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से लाउडनेस में डेफिनेटली जब इसकी ज़्यादा है तो डेफिनेटली यहाँ ये विनर है।